पार्टी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड. सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट योर फोर्थ चैप्टर, दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स. ठीक है, ये डीएवी बुक का चैप्टर है और इसके अंदर जो है आप लोग एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. जितने भी एनसीईआरटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं रिकमेंड करूंगी कि वो ये वाले चैप्टर्स जो है वो इन बुक से जरूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ से आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोल रहे हैं, वी ऑल नो दैट देयर आर वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल अराउंड अस. दे डिफर फ्रॉम वन अनदर इन देयर कलर, ऑर्डर, टेस्ट और फिजिकल स्टेट एंड अदर प्रॉपर्टीज. वी ऑफन यूज सच प्रॉपर्टी टू क्लासिफाई सब्सटेंस एंड मटेरियल इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. सिंपली बोल रहे हैं, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारी वेराइटीज की आइटम्स पाई जाती हैं, जिनका डिफरेंट कलर होता है, डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना. कोई सॉलिड होता है, कोई गैस होती है. वी ऑफन यूज सच प्रॉपर्टी टू क्लासिफाई सब्सटेंस. और हम उन प्रॉपर्टीज को, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज पाई जा रही हैं, उनको हम यूज करते हैं कि क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग कैटेगरी में. जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप एक चेयर के ऊपर बैठे हुए हो, आपके आसपास एक पानी की बोतल पड़ी हुई है और एक आपके पास लैपटॉप पड़ा हुआ है, एक आपके पास जो है वो चेयर रखी हुई है. तो चेयर जो है वो वुड की है, ठीक है, और पानी की बोतल जो है वो प्लास्टिक की है और उसके अंदर पानी है, लिक्विड शेप है. और जो आपका यहाँ पर लैपटॉप पड़ा हुआ है उसकी जो वो है वो प्लास्टिक है. तो इस तरीके से आपको पता है कि वो अलग अलग मटेरियल से बनी हुई हैं और अलग अलग चीजें हैं. तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है. तो इस तरीके से हम इनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर पाते हैं. तो इसी तरह खाने की चीजें जो होती हैं, जो यूजेबल आइटम्स होती हैं, स्पेशली इन किचन, उनमें भी सबके अंदर बहुत सारी चीजें इसी तरीके की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिनसे हम उनको कैटेगराइज करते हैं. ओके, तो सम मटेरियल लाइक लेमन, विनेगर एंड टर्मेरिंड हैव अ सॉल्ट टेस्ट. तो यहाँ पे सॉल्ट जो है टेस्ट, उसके जो है आपको आगे बोला जा रहा है कि खट्टा टेस्ट होता है किसका, विनेगर का, लेमन का, मतलब नींबू हो गया, सिरका हो गया, ठीक है. ये सारी चीजों का जो टेस्ट है वो खट्टा होता है. दिस मटेरियल टेस्ट सॉल्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स. और इनका जो खट्टा टेस्ट है वो किसकी वजह से होता है, केमिकल की वजह से. ओके, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एसिड, ठीक है. जो केमिकल्स उसके अंदर रहते हैं ना, उनको हम बोलते हैं एसिड. तो एसिड की वजह से कैसा टेस्ट होता है, खट्टा. ओके, अदर मटेरियल लाइक बेकिंग सोडा, सोप हैव अ बिटर टेस्ट. तो कुछ चीजें होती हैं जिनका टेस्ट जो है वो कड़वा होता है. ओके, और ये होता है ऑन द, ये इसके अंदर जो है कौन सा केमिकल रहता है, इट इज ड्यू प्रेजेंस ऑफ केमिकल कॉल्ड बेसिस. तो इसके अंदर जो केमिकल होता है वो, उसका नाम कहलाते हैं हम बेसिस, ठीक है. तो ये बेसिस की वजह से किस तरीके के हो जाते हैं, बिटर. बी से बेस, बी से बिटर, तो आपको ऐसे भी ध्यान रख लेना है, जिसमें बेस होगा, बेसिस चीजें होंगी वो हमेशा टेस्ट में बिटर होंगी, मतलब कड़वी होंगी. और जो एसिडिक चीजें होंगी वो हमेशा टेस्ट के अंदर सॉर होंगी, मतलब खट्टी होंगी, ठीक है. अब अगर लेमन की बात है तो लेमन जो है वो खट्टा होता है, तो उसके अंदर जो है वो एसिड है. ओके, और अगर इसी तरीके से अगर मैं कोई ऐसी चीज देखूं जो कड़वी है, तो वो चीज जो है बेसिक होगी, ठीक है. आगे, इट इज डेंजरस टू टेस्ट एनी अननोन सब्सटेंस अदर एट होम इन स्कूल. अब ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है कि अगर आप किसी चीज को टेस्ट करो मुंह से. तो हर चीज को मुंह से टेस्ट नहीं कर सकते, कई चीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर पॉइजन भी पाया जाता है, तो आप लोगों को ये चीज ट्राई नहीं करनी है. ओके, द टर्म एसिड हैज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सॉल. ऑल्सो टेस्टिंग मटीरियल कंटेन एसिड. एसिड आर क्लासिफाइड इन टू टू कैटेगरीज. अब यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि एसिड जो है ना वो लैटिन वर्ड से आया हुआ है, जिसका जो वर्ड है एसिडस और जिसका मतलब होता है खट्टा. ओके, वहीं से ये वर्ड आया है. और एसिड को जो है आगे और दो कैटेगरी में इन्होंने कैटेगराइज किया है, कौन कौन से, मिनरल एसिड है एक तो, और अगर हम दूसरे की बात करें सो दैट इज ऑर्गेनिक एसिड. ओके, अब मिनरल एसिड जो है वो क्या होता है, एसिड विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल प्लांट्स इन द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फरस एसिड और फास्फोरस एसिड, ये सारे जो है वो मिनरल एसिड हैं. वो सारे के सारे एसिडिक जिनके अंदर जो है वो मिनरल्स होते हैं, जो मिनरल्स से बनते हैं, उनको जो है हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड कहते हैं, ठीक है. और अगर हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड की, तो यहाँ पर एसिड विच आर नेचुरली अक्योरिंग एंड आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. और वो एसिड, वो चीजें जो हमें नेचुरली मिलती हैं और जो हमें प्लांट से मिलती हैं या एनिमल से मिलती हैं, और उन चीजों के अंदर अगर एसिड पाया जा रहा है तो वो होगा ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है. अगर हम बात करें लेमन, तो लेमन हम कहीं से जो है वो बनाते नहीं है, वो नेचुरली
उगता है, ठीक है, पेड़ पर लगता है, तो उसके अंदर अगर खट्टी चीज पाई जा रही है, खट्टा टेस्ट है, तो वो ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। आगे, मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन ऑर्गेनिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल गुआवा कंटेन ऑक्जेलिक एसिड। अब अगर अलग अलग जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनमें ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है, तो एसिड के भी नाम होते हैं, जैसे गुआवा के अंदर जो है वो ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑरेंज, लेमन, आंवला, इनके अंदर जो है वो सिट्रिक एसिड होता है, ग्रेप्स, टैमरिंड एंड गूसबेरीज जो है उनके अंदर टार्टरिक एसिड होता है, और ऐसे ही सॉर मिल्क जो होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, विनेगर के अंदर जो है वो एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, इसलिए वो एसिडिटी जो जाती है उसके लिए भी काम आता है, नींबू पानी पीते हैं जो हम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं कि ऑरेंज लेमन में कौन सा होता है, तो सिट्रिक एसिड, और ग्रेप्स वगैरह के अंदर जो है वो टार्टरिक एसिड होता है, खट्टे दूध के अंदर जो है वो लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। तो एसिड के नेम्स है, ओके। आगे देख सकते हो, दीज कंटेनिंग सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड के अंदर ये सारी चीजें हैं, आगे जो टार्टरिक एसिड है उसके अंदर ये सारी चीजें हैं, ठीक है। आगे, स्टिंग ऑफ बीज, रेड आंट, वास्प एंड स्टिंग नेटल कंटेन फॉर्मिक एसिड HCOOH which causes a shooting pain। अब ये जो है बोल रहे हैं, चींटी का जो काटने का डंक होता है, जब चींटी हमें काटती है, लाल वाली अगर आपको काटी हुई हो तो वहां पर वो एक डंक की तरह काटती है और ऐसा सा फील होता है जैसे इंजेक्शन लग गया, बहुत तेज दर्द होता है, तो जब वो डंक उसका लगता है हमारी बॉडी के अंदर, सो उससे जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एसिड जाता है जिसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है, जिसका अगर हम एसिडिक फॉर्मूला देखें तो HCOOH होता है, ठीक है। ये हमने इसको साइंटिफिक जो है सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखा है, केमिकल फॉर्मूला है ये इसका, ओके। आगे, एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, एसिड लाइक सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बनिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, ठीक है। वी विल लर्न मोर अबाउट स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स इन हायर क्लास। तो ये आप लोगों को अभी इतना ज्यादा दिमाग खपाई करने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को अभी 9th-10th में आएंगे वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तो इस पर भी ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ओके। आगे, एसिड मैन्युफैक्चर इन द फैक्ट्रीज आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, दैट इज द वाटर कंटेंट इन देम इज वेरी लो, द कॉन्सेंट्रेशन कैन बी डिक्रीज बाय द एडिंग वाटर टू देम, एसिड हैविंग अ लो कॉन्सेंट्रेशन आर कॉल्ड डिल्यूट एसिड। अब वो एसिड जिसके अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन होता है जिसको हम डिल्यूट एसिड कहते हैं, ठीक है, और वाटर कंटेंट जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा कम मात्रा में पाया जाता है, तो देयर कॉन्सेंट्रेशन कैन बी डिक्रीज बाय द एडिंग वाटर टू देम, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो होता है उसको हम कम कर देते हैं, ठीक है, जिसको हम डिल्यूट एसिड बोलते हैं इन एसिड्स को। आगे आगे आ जाता है, डू यू नो है, इसको आप देख लीजिएगा, गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड इन द एयर बाय फैक्ट्रीज, पावर हाउस एंड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, दीज गैसेस मिक्स विद द रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड रेन। अब ये आप एसिड रेन के लिए पढ़ सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि एसिड रेन क्या होती है, ठीक है। वाटर डस बिकम एसिडिक, और उससे जो है हमारा पानी जो है वो क्या बन जाता है, एसिडिक बन जाता है बारिश वाला, और उससे वो एसिड रेन फॉल होती है, ठीक है। तो वो एसिड रेन जो है वो बिल्डिंग्स पर जाती है जो मार्बल से बने हुए होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए होते हैं, और वो एसिड जो है वो रिएक्ट करता है मार्बल के साथ, और इस वजह से जो एसिडिक मार्बल्स होती हैं उनका कलर जो है वो धीरे धीरे येलोइश कलर में चेंज हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल आप देखेंगे ताजमहल का, तो वो भी एक मार्बल से ही बना हुआ है, व्हाइट मार्बल, बट उसका कलर जो है वो धीरे धीरे अभी येलो होता जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एसिडिक रेन जो है वो ज्यादा, उसकी मात्रा जो है वो बढ़ती जा रही है। एसिड रेन होती कैसे है, मैंने आप लोगों को बताया ये अभी, कि फैक्ट्री से जो है वो काफी ज्यादा एसिड निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं जिसके अंदर CO2 हो गया, ठीक है, SO2 हो गया, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड हो गया, NO2 हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारी की सारी फैक्ट्री से जब बाहर एयर में आते हैं और जब ये पानी के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो पानी इनके साथ मिलकर एसिडिक बन जाता है, और वो रेन जब होती है उस पानी वाली, तो दैट इज कॉल्ड एसिडिक रेन, ओके। आगे, बेसिस एंड अल्केलीज। अब यहाँ पर बेसिस आ जाते हैं, एसिड के बारे में तो बहुत सारा पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अल्केलीज क्या होती हैं और बेसिस क्या होते हैं। बेसिस आर द सब्सटेंस विच रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड हैव अ सोपी फील। अब यहाँ पर देखो बच्चा, जो बेसिस हैं उनका, अभी हमने एसिड का तो पढ़ लिया कि हाँ भाई कड़वे होते हैं, ठीक है, और खट्टे होते हैं सॉरी, और बेसिस जो है वो क्या होते हैं, कड़वे टेस्ट में होते हैं, बिटर होते हैं, और ये रिएक्ट करते हैं विद एसिड, एसिड के साथ बेसिस का जब रिएक्ट होता है तो उससे जो है वो पानी और नमक बनता है, ठीक है। ये और इनका जो प्रेजेंस होती है, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सोपी होती है। अगर जो आप बाथरूम में साबुन यूज करते हो उसके अंदर भी बेस ही पाया जाता है, ठीक है, वो बेसिक नेचर के ही होते हैं। सम बेसिस आर सॉल्युबल,
कुछ बेसिस जो होते हैं वो पानी में सोल्यूबल होते हैं, मतलब कि खुल जाते हैं, तो उन बेसिस को हम बोलते हैं एल्केलीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आर बोथ बेसिस, हाउएवर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ एल्केली बिकॉज इट इज सोल्यूबल इन वाटर। अगर हम साबुन को देखें तो साबुन जो है वो थोड़ी देर में पानी के अंदर घुलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो भी एल्केलीज का ही काम करता है, ठीक है। बट वो जो है थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, ओके। सम बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसको बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बोलते हैं, आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। अदर लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH जिसको बोलते हैं, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AiOH3 जिसको बोलते हैं, वो सारे जो है वो वीक बेसिस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का एसिड बेस और एल्केलीज जो है वो खत्म हो गया। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। और इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो इंडिकेटर्स का है, कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट क्या होता है। तो इस तरीके से आपका चैप्टर अभी थोड़ा सा शायद बचा है, थोड़ा ये मैं करवा देती हूँ आपको, कोई ना। उसके बाद आता है इंडिकेटर्स। अब बच्चों देखो, कोई चीज जो है एसिडिक टेस्ट के अंदर है या बेसिक टेस्ट के अंदर है, वो चीज हमें कैसे पता लगेगी। मैंने अभी आपको बताया कि आप हर चीज को मुंह से टेस्ट नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें जो है वो डेंजरस हो सकती हैं, पॉइजनस हो सकती हैं, तो इट कैन इफेक्ट योर टंग एंड टेस्ट बर्ड्स ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स जो है वो हमें हेल्प करते हैं बताने में कि एक सब्सटेंस जो है वो कैसा है नेचर में, इज दिस एसिडिक और बेस, ठीक है। तो एसिडिक एंड बेसिक कैन बी आइडेंटिफाई नॉट ओनली थ्रू देयर टेस्ट बट ऑल्सो विद द ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड इंडिकेटर। सिर्फ टेस्ट करके ही पता नहीं लगाया जा सकता, इंडिकेटर की हेल्प से भी हम इसको पता लगा सकते हैं। अब इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। जो इंडिकेटर है ना वो अलग अलग कलर शो करता है, किसको? एसिड दिखाने के लिए और बेस दिखाने के लिए, ठीक है। और द कलर ऑफ द इंडिकेटर कैन थस इन आइडेंटिफाई एसिड और बेस। और जो कलर है इंडिकेटर का वो बताता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो जो अभी अगर समझ नहीं आ रहा है तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, आपको समझ अच्छे से आ जाएगा, ओके। अब देखो, एन इंडिकेटर यूज्ड वेरी ऑफन इज लिटमस। एक जो इंडिकेटर है वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, लिटमस जो है सबसे मेन चीज जो है इंडिकेटर के लिए, लिटमस पेपर यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन एंड इट इज अ पर्पल कलर। ये लाइकेन से मिलता है, लाइकेन जो है वो एक एल्गी की तरह होता है, वो एक प्लांट होता है, और जो लिटमस पेपर ऑब्टेन करता है जिससे हमें लिटमस पेपर मिलता है, और एक हल्का पर्पलिश कलर का होता है। इट्स कलर चेंज टू रेड इन द एसिडिक मीडियम एंड ब्लू इन द बेसिक मीडियम। अगर आप उस लिटमस पेपर को यूज करोगे और अगर आप उसको किसी मटेरियल के साथ लगाओगे तो अगर वो ब्लू हो जाता है, सो दैट मींस कि वो एक बेसिक मटेरियल, बेसिक सब्सटेंस है, और अगर वो रेड हो जाता है सो दैट मीन वो एसिडिक सब्सटेंस है। इसको आप किसी ट्रिक से भी याद कर सकते हो, लिटमस पेपर को बी से बेसिक और बी से ही ब्लू, ठीक है। या फिर आप एसिड्स को याद कर सकते हो, एसिड जो है वो खतरे वाली चीज है और खतरे के लिए हम रेड कलर यूज कर सकते हैं, तो आप दोनों में ट्रिक लगा के भी इसको आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिकेटर काम करता है। आगे, लिटमस कैन बी यूज एज एन इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन। इन प्रैक्टिस इट इज मोर देन कॉमन टू यूज अ पेपर स्ट्रिप, इट हैज बीन डिप्ड इन लिटमस सॉल्यूशन एंड अलाउड ड्राई, सच अ पेपर स्ट्रिप इज कॉल्ड लिटमस पेपर। जो लिटमस है ना, लिटमस जो है वो एक इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन फॉर्म के लिए। मतलब अगर आपके पास एक एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है तो आप उसमें जब उसको डालोगे तो वो जो है क्या करेगा, कलर चेंज कर देगा, ठीक है। और वो जो पेपर है जिसको आप उसके लिए यूज कर रहे हो उसको हम लिटमस पेपर कहते हैं, जिसको हम इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए ये लिटमस पेपर है और इन्होंने इसको सॉल्यूशन में डाला, नींबू के रस में अगर डालेंगे तो नींबू के अंदर एसिड होता है, अगर इन्होंने डाला, ये देखिए यहाँ पर ये रेड हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से इसको जब हम बेस में डालेंगे, मतलब आप एक बाथरूम वाला सोप लेके उसके अंदर भी अगर इसको डालो पेपर को, तो ये ब्लू हो जाएगा, बिकॉज जो सोपी नेचर होते हैं वो बेसिक होते हैं, ठीक है। आगे अगर हम देखें, जो टर्मरिक है वो भी जो है क्या करता है, इंडिकेटर का काम करता है। अब फर्स्ट इंडिकेटर तो हमने पढ़ लिया, दैट इज लिटमस पेपर। अब सेकंड इंडिकेटर हमारा जो है वो यहाँ पर है, लिटमस पेपर के साथ साथ टर्मरिक। टर्मरिक बोलते हैं हल्दी को, ठीक है। हल्दी भी जो है वो हमारा इंडिकेटर का काम करता है। इट टर्न्स रेड इन बेसिक मीडियम एंड रिमेन्स येलो इन एसिडिक मीडियम। अब अगर कोई चीज जो है वो बेसिक है ना, तो वो रेड कलर हो जाएगी हल्दी, और अगर वो एसिडिक है तो वो सेम येलो ही रहेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल आप देखें, कोई भी ऑयल का बर्तन होगा, ऑयल है उसके अंदर, तो उसके अंदर अगर जब
अगर आप मतलब कि हल्दी है किसी चीज के अंदर या फिर किसी बर्तन में या किसी सब्जी की प्लेट जो है हल्दी वाली है उसके अंदर आप सोप का यूज करेंगे, दैट बिकॉज सोप इज अ बेसिक, तो अगर आप सोप का यूज करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो रेड कलर का बन जाता है, ठीक है। तो दैट मीन कि वो रेडिश कलर हो रहा है तो उसके अंदर बेसिक सब्सटेंस है, ठीक है। और अगर कोई एसिडिक चीज उस पर डालोगे तो वो कलर चेंज नहीं करेगी हल्दी, एज इट इज येलो रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी एक टर्मरिक जो है वो इंडिकेटर का काम करती है। ऐसे ही जूस ऑफ चाइना रोज, चाइना रोज जो है वो हिबिस्कस होता है जिसको हम गुड़ल का फूल भी बोलते हैं, तो ये भी एक इंडिकेटर की तरह ही काम करता है। और इसको भी हम इसकी पत्तियों को, इसकी पल्प को जो है हम यूज कर सकते हैं, इसकी जो पेटल्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं इंडिकेटर के लिए। इट टर्न डार्क पिंक, मैजेंटा कलर हो जाता है अगर कोई चीज एसिडिक है, और ग्रीन कलर हो जाता है जब कोई चीज बेसिक है। तो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ओके बच्चा। अनदर कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर इज फेनोफेथलिन, इट इज कलरलेस इन एन एसिडिक एंड टर्न पिंक इन बेसिक। तो ये एक फेनोफेथलिन जो है ये एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है जिसको ह्यूमन बींग ने ही बनाया है, बाकी सारे जो है वो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, चाहे हम टर्मरिक ले लें, चाहे हम लिटमस पेपर ले लें, और चाहे हम चाइना रोज ले लें, चाइना रोज जूस, ओके। अब यहाँ पर देखो, इट्स कलर इज इन रेड मीडियम, ठीक है। इंडिकेटर जो है फिनोफेथलिन के अंदर, इट इज कलरलेस, ये जो है एसिड के अंदर कलरलेस रहता है, बट ये पिंक हो जाता है किसके अंदर, बेसिक मीडियम के अंदर, ठीक है ना, जो कि फिनोफेथलिन है। तो हमने चार इंडिकेटर पढ़ लिए, चाइना रोज, जूस ऑफ, ठीक है, टर्मरिक और लिटमस, और उसके अलावा में फिनोफेथलिन, ठीक है। इसकी स्पेलिंग में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे, पहले आपको फेनोल लिखना है, PHENO, ठीक है, फेनोल, फेनोल लिख सकते हो पूरा PHENOL, फेनोल, फिर फिद WPHPH, ठीक है, फेथेलेन LEIN। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट एक दो बार जब लिखोगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, तो यहाँ न्यूट्रलाइजेशन करना है और फॉर्मेशन करना है सॉल्ट का, सॉल्ट मीन्स नमक का। A chemical reaction between an acid and base is known as neutralization reaction. A chemical reaction होता है जब acid और base का, तो उस reaction को हम neutralization reaction कहते हैं। When such a reaction take place, water and salt are formed. जब ऐसे reaction होते हैं, पानी और नमक बनता है, तो उसको हम बोलते हैं neutralization reaction. और during neutralization, the acid and the base cancel the effect of each other. इसके अंदर जो है acid जो है base के साथ जब connect करता है, तो वो acid नहीं रह पाता। और जो base होगा, वो उसके पास acid आएगा, तो वो base भी acid और base में से कुछ नहीं हो पाता। ये दोनों अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं, और वो जो है दोनों प्रॉपर्टी जब खोते हैं तो वाटर प्लस सॉल्ट बनता है, ठीक है। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये इन्होंने नेमिंग ऑफ सॉल्ट किया है कि जो एसिड और बेसिस हैं, सॉल्ट जो है वो किस किस टाइप के कौन कौन से बने होते हैं। सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सल्फेट बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्ट जो है वो क्लोराइड बन जाता है, नाइट्रिक एसिड जो है वो नाइट्रेट बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सल्फेट बन जाता है। तो इस तरीके से ये नेम है सॉल्ट के, जो आपको थोड़े से याद रखने हैं, ठीक है। इसके अंदर जितने चीजें हैं ना बच्चा, ये नेम जो जितने दिख रहे हैं, ये आप कोशिश करिए कि याद करें, जो जो याद कर सकते हैं, जितने याद कर सकते हैं, दैट इज गुड फॉर यू, ओके। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्ट, सॉल्ट की प्रॉपर्टीज बता रखी हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। सॉल्ट जो है वो किससे बनता है, एसिड और बेस के रिएक्शन से। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट आर रेडली सॉल्युबल इन वाटर, ज्यादातर सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। जो आप किचन में हम नमक यूज करते हैं, वो भी आप देखेंगे अगर आप उसको पानी में डालेंगे तो वो इजिली सॉल्युबल हो जाएगा। उसके बाद आगे अगर हम देखें, तो यहाँ पर देख सकते हैं, सॉल्ट डो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट, हाउएवर मोल्टन सॉल्ट एंड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है ना, सॉलिड स्टेट के अंदर, बट अगर वो मोल्टन स्टेट के अंदर है और सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, मतलब बिजली को खींच सकते हैं अपने और, ठीक है। ऑब्वियसली सी बात है कि जो सॉलिड चीज है वो इलेक्ट्रिसिटी को कम खींचती है, बट अगर कोई लिक्विड चीज है तो इलेक्ट्रिसिटी जल्दी पास होती है वहां से। तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है। फिर आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट है, सॉल्ट दो टाइप के यहाँ पर बता रखे हैं, तीन टाइप के हैं, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। जब आपके सॉल्ट के अंदर जो है वो एसिडिक की मात्रा ज्यादा होगी तो वो एसिडिक सॉल्ट होगा, जब बेसिक की मात्रा ज्यादा होगी तो वो बेसिक सॉल्ट होगा, और जब दोनों जो है ऑप्टिमम है, बराबर मात्रा में, तो वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है, यहाँ डेफिनेशन दे रखी है, तो वो न्यूट्रल सॉल्ट है। फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, देखो दोनों चीजें बराबर है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो न्यूट्रल है। और ऐसे ही आगे अगर हम देखें, तो जिसके अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो वो एसिडिक सॉल्ट है। और ऐसे ही अगर हम आगे देखें, जिसके अंदर बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिड जो है वो वीक है, तो वो बेसिक सॉल्ट है। तो जो चीज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, सॉल्ट का टेस्ट जो है वो वैसे ही रहेगा। तो इसी तरीके से खत्म हो जाते हैं, ये हमारे कीवर्ड्स आते हैं जो कि आपको पढ़ लेना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, ठीक है, ओके। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ जाएगी।
और स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।